दुखद घटना जो तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के तिलक विहार कॉलोनी में शनिवार की रात को हुई। कोमल नाम की बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, कुछ छोटे मोटे झगड़े को लेकर मामला पुलिस चौकी पहुंचा। लोग इस उम्मीद से पुलिस चौकी पुलिस स्टेशन जाते हैं कि वहाँ हमारे झगड़े का निपटारा होगा, पर वहाँ एक ऐसी मुसीबत, ऐसी दुर्घटना परसों शाम को घटी जो ये परिवार सारी ज़िंदगी शायद नहीं भूल पाएगा। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में पुलिस चौकी के बीच में उस लड़की ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। कोई वहाँ पर जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। पुलिस चौकी के बीच में अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा ये मानना है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट फेलियर है, पुलिस महकमे की टोटली नाकामी और निकम्मापन है कि अगर आप पुलिस स्टेशन के बीच में किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो बाहर शहर का क्या हालात हो रहे होंगे, वो आज हम सब भुगत रहे हैं। कि एक माइनर लड़की रात को 1:30 बजे एक पुलिस थाने में क्यों थी? हमारा दूसरा सवाल है कि उस माइनर लड़की को पुलिस थाने के अंदर एक कमरे में अपने परिवार वालों से अलग करके क्यों लॉक किया गया बाहर से? हमारा तीसरा सवाल ये है कि अगर वहाँ पे उस लड़की को टंगा हुआ पाया गया तो पुलिसकर्मी इधर उधर क्यों भागे? वो थाना छोड़ के क्यों भागे, पोस्ट छोड़ के क्यों भागे? अगर उनकी जल्दी इंटरवेंशन होती तो शायद वो लड़की बच जाती। हमारा चौथा सवाल ये है कि अभी तक उस चौकी इंचार्ज को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? देखिए, ये जो घटना हुई है ये एक सीधा सीधा सवाल उठाती है कि दिल्ली पुलिस के इस व्यवहार के लिए, दिल्ली पुलिस में होने वाली कस्टोडियल डेथ्स के लिए कौन जिम्मेदार है? हम सबको पता है कि दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री को जवाबदेह है, LG साहब को जवाबदेह है, पर जब दिल्ली में ये सब घटनाएं हो रही हैं तो उन्हें जवाब अब देना पड़ेगा।